ऋषि कैसे हैं? बहुत ही अच्छे हैं। अपने फेस पे ऐसे रखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रही हूँ ये आर्टिफिशियल नेल्स हैं, नेल आर्ट प्रीमियम सीरीज, और इसके अंदर डिफरेंट नेल सेट हैं। 24 टोटल ये नेल्स हैं, और इनको यूज़ कैसे करना है ये सारे इंस्ट्रक्शंस इसके बैक पर गिवन है। मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि क्या आपको ये यूज़ करने चाहिए या नहीं। पहले आपने क्लीन आउट करना है और आपने नेल्स को प्रेप करना है, देन आपने स्टिकर अप्लाई करना है, एंड देन आपने प्रेस करना है नेल्स को अगेंस्ट योर ओरिजिनल नेल्स। चलें जी अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले इसकी ये जो सेट है इसमें लाइट बेबी पिंक कलर के इसमें नेल्स हैं। एक और सेट है मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उसके अंदर इससे थोड़ा डार्कर शेड है, लेकिन दोनों ही बहुत प्यारे शेड्स हैं। मैं इस पैक को यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि इसके साथ जो स्टिकर्स थे वो मुझे नहीं मिले, तो ये वाला जो पैक ऑलरेडी जिस पर नेल्स लगे हुए हैं वो मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं ये परीक्षा के हाथों पे लगा के दिखा रही थी क्योंकि वो ज़िद कर रही थी कि मुझे नेल्स लगाएं, तो उसके हाथों पे मैं लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये स्टिक हो जाते हैं कि वो खेलती रही नेल्स के साथ, ये तब भी नहीं उतरते। और मैं ख़ुद भी आपको डेमो दूँगी कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फ़िलहाल मेरे पास इसके क्यूटिकल स्टिक और वो तो शायद मिसप्लेस हो गए क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने ये नेल्स रखे हुए थे। ये हैं 24 पीसीस का सेट, ठीक है। इसमें डिफरेंट ये ग्लिटर नेल्स हैं और ये आपको सिंपल नेल्स भी नज़र आ रहे होंगे, ये आप अप्लाई कर सकते हो। लाइक कुछ लोगों के जो थंब नेल का साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है, कुछ लोगों का स्मॉल होता है, कुछ लोगों का वाइड होता है ज़रा, तो आप उसके अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे वाले नेल्स भी आपने जहाँ पे ग्लिटर यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं, वरना दूसरे यूज़ कर लें। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो है ये थंबनेल परफेक्ट रहेगा। यहाँ पर इसको आपने यूं प्रेस करना है और ये आपका थंबनेल इस तरीके से लग जाएगा। इसके नीचे जो है स्टिकर्स अटैच्ड हैं, अगर स्टिकर्स अटैच नहीं होंगे तो आप ग्लू भी लगा सकते हैं, और इसके साथ साथ एक स्टिकर्स शीट मिलती है, वो इस नेल की बैक साइड पे आपने लगानी है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, इनकी बैक साइड पे देखें ये लगी हुई है, तो आप इसको इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। आप दूसरे नेल्स को लगाने के लिए भी मैं इनमें से चूज़ करती हूँ। यहाँ पर अकॉर्डिंगली आपने नेल्स लगाने हैं, तो जो शेप परफेक्ट रहेगी, जैसे ये देखें ये परफेक्ट है, इसके लिए थोड़ा सा आपने क्यूटिकल्स को बैक पुश करना है और इस तरीके से आप इस नेल को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नेल के लिए भी मैं ग्लिटर नेल चूज़ करूँगी, तो ये वाला जो है ये नेल इसके लिए परफेक्ट है। देखिए ये मैंने लगा दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके लिए मैं ग्लिटर नेल यूज़ कर रही हूँ। दिस इज इट, ये देखें, ठीक है। एंड लास्टली लास्ट नेल के लिए भी मैं ग्लिटर चूज़ करूँगी। ये थोड़ा बड़ा है तो हम इसको चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट। इसको चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसकी जगह पे कोई दूसरा नेल लगाना है वो भी आप लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर मैं ग्लिटर नहीं दूसरा नेल लगाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये वाला नेल लूँगी और इस नेल को लगा सकती हूँ, ठीक है। इनको आपको शेप करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इनको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, और ये अपनी जगह से नहीं हिलते, बहुत अच्छे तरीके से ये स्टिक ऑन नेल्स हैं, ये लग जाते हैं, ठीक है। ये इसकी पैकेजिंग है, आप डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं। मैं यहाँ पे दराज का लिंक लगा दूंगी, अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। इसके बाद यूज़ करने के बाद आप इनको सिंपली आपने यूं करना है कि इनको वापस से प्लेस कर दें इनकी जगह पे। देखिए थोड़े मुश्किल से उतरता है, इतनी जल्दी नहीं उतर जाता कि आपके फंक्शन के दौरान उतर जाएंगे ये, ठीक है। इनको दोबारा से वहीं पे प्लेस कर दें, ये देखें
थोड़ा सा आपको जोर लगाना पड़ता है इनको उतारने के लिए। अब लाइक ये है, ठीक है, इसके नीचे ग्लू लगी हुई है, उसकी वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको उतारना। सो दिस इज इट, ये सारे सारे नेल्स हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसके ऊपर क्लिक करके इनको बाय कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।